देवभूमि द्वारका जिल्लामां पोलीसने एक मोटी सफलता मळी छे। पोलीसे अमदावाद खातेथी गैरकायदेसर आल्कोहोल युक्त आयुर्वेदिक पीणानी फेक्टरी झड़पी पाड़ी अने फेक्टरी मालिक सहित त्रण शख्सोनी अटकायत करीने रूपिया 21.12 लाखनो मुद्दा माल कब्जे कर्यो हतो। खंभड़िया शहेरमांथी आश्रे 10 दिवस पूर्वे पकड़ायेली आयुर्वेदिक सीरपनी बॉटलोमां आल्कोहोलनुं प्रमाण होवानुं आशंका साथे पोलीस द्वारा करवामां आवेली ऊंडाणपूर्वकनी तपास बाद आ प्रकरणमां अमदावादमां एक शख्स द्वारा चांगोदरमां ऊभी करवामां आवेली फेक्टरीमां आल्कोहोल युक्त आयुर्वेदिक सीरपनी आड़मां गैरकायदेसर रीते आल्कोहोल युक्त पीणानुं उत्पादन तेमज वेचाण थतुं होवानुं खुल्युं हतुं। त्यारे आ समग्र प्रकरण अंगेनी वातचीत करिए तो देवभूमि द्वारकाना लोकल क्राइम ब्रांच द्वारा जाहेर करवामां आवेली विगत मुजब खंभड़ियाना जोधपुर गेट विस्तारमां गत 26 जुलाईना रोज पार्क करायेली आईसर ट्रकमां पोलीसे चेकिंग करता ज आ ट्रकमांथी सेल्फ जनरेटेड आल्कोहोल युक्त नामनी सीरपनी 4000 जेटली बॉटलो मळी आवी हती। जे अंगे पोलीसने शंका जता ज 5.96 लाखनी सीरप अने 3 लाखनो ट्रक मळीने कुल रूपिया 8.96 लाखनो मुद्दा बाल कब्जे लेवामां आव्यो हतो। जो मशीनरी को यूज करके जो रॉ मटेरियल्स हैं जिसमें मेन एथेनॉल, पानी, सिट्रस एसिड, आर्टिफिशियल स्वीट और अलग अलग फ्लेवर्स को मिला के ये लोग ये प्रक्रिया में आयुर्वेदिक बियर बनाते हैं। बिल्कुल जो आयुर्वेदिक की जो पद्धति है उसका मिसयूज है और जो हमारे लॉज हैं उसका मिसयूज है। इसमें फूड एंड ड्रग की जैसे 25D फॉर्म चाहिए होता है, आबकारी विभाग का SA1 SA2 लाइसेंस चाहिए होता है, वो इनके पास नहीं है। एक रजिस्टर्ड पेड़ी होनी चाहिए, वो भी नहीं थी। और ये लोग जो हैं इतना एक इंश्योर करते हैं कि एक बोतल में 10% से ज़्यादा अल्कोहल ना हो ताकि कायदे का कहीं भी भंग ना हो। ये अल्कोहल बाहर से मिलाया जाता है बट जो कि सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल है उसमें अंदर से ही उसकी प्रोसेस से ही अल्कोहल जनरेट होगी। हमने लगभग इसमें 840 लीटर जितना एथेनॉल पकड़ा, उसके आधार पर ये लोग जो है 17,000 जितनी जो है और बोतलें बना सकते थे जिसकी मार्केट वैल्यू जो है 26 लाख जितनी होती। इसका जो मेन आरोपी है वो भरत भाई नकुम है जो खुद एक एमटेक है अहमदाबाद से और पिछले 6 सालों से ये धंधा कर रहे हैं। उन्होंने इस धंधा में जो संकड़ा है बाकी लोग और इंटरनेट के मार्फत जो है ये पूरी प्रोसेस कैसे होती है और कैसे इसको बनाया जा सकता है वो सीखा।